हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो में आपको हम ब्राउन कलर पॉलिश की जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल प्लेन पॉलिश डाइनिंग टेबल पर और डाइनिंग चेयर पर। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन रखें। इसी तरह पेंट और पॉलिश की वीडियो मैं आपके चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यह डाइनिंग टेबल है, सागवान लकड़ी का है। इसमें हम ब्राउन कलर पॉलिश करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। और ये है चेयर, ये बबूल की लकड़ी का चेयर है, इसमें बबूल की लकड़ी लगी हुई है। दोस्तों पहले हम इस पर पुटीन से रिपेयर करेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे। तो चलिए पहले पुट्टी बना लेते हैं। पुट्टी बनाने के लिए दोस्तों हम दो पत्ती लेंगे, एक 4 इंच की, एक 3 इंच की, और साथ ही ब्राउन कलर अंबर लेंगे, तरकी अंबर, और एक फेविकोल लेंगे थोड़ा सा। पहले हम बिल्कुल हार्ड पुट्टी बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फेविकोल को ऐड करेंगे पुट्टी पर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से पेस्ट बना लेंगे दोस्तों, इस तरह से जिस तरह हम बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हम अप्लाई कर देंगे पुट्टी को, रिपेयर कर देंगे जहाँ जहाँ पर खीले लगे हुए हैं या फिर गड्ढे गुड्ढे हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से देखकर अप्लाई कर देना है। चलिए दोस्तों, हम सभी जगह रिपेयर कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं वीडियो में। तो दोस्तों हमने सभी जगह पर पुट्टी रिपेयर कर दिया है, सभी जगह पर अच्छी तरह से। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद दोस्तों इस पर हम 60 नंबर का रेगमाल लगाएंगे, पट्टे वाला। और दोस्तों इस तरह लगाना है कि पुट्टी बिल्कुल उखाड़ना नहीं है, बिल्कुल एक बराबर कर देना है, लकड़ी को भी स्मूथ कर देना है, क्योंकि इसमें हम नेचुरल पॉलिश नहीं करेंगे, प्लेन पॉलिश करेंगे ब्राउन कलर। तो इसको बस हल्का सा बराबर कर देना है, जिसमें सफाई कर देना लकड़ी को, इसको अच्छे तरीके से सफाई कर देना है बिल्कुल, जो चाड़ होते हैं लकड़ी पर या गड्ढे गुड्ढे होते हैं उसको थोड़ा बराबर कर देना है, आप पुट्टी को बराबर कर देना है। तो दोस्तों हमने रेगमाल लगा लिया है, अब इस पर हम कलर अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों कलर बनाने के लिए हम चपड़ा पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे, चपड़ा पॉलिश है ये दोस्तों। चपड़ा पॉलिश को स्पीड से गलाया जाता है, तो इसको हम एक डब्बे में लेंगे। इसके बाद दोस्तों पे हम ब्राउन अंबर ऐड करेंगे, ब्राउन कलर तरकी अंबर, ये है तरकी अंबर ब्राउन कलर। अब इस कलर को हम चपड़ा पॉलिश में ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे किसी चीज़ से, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों। अब अप्लाई करना है लकड़ी पर, दो हाथ अप्लाई करने के बाद इसमें दोबारा हम रिपेयर करेंगे पुट्टी। चलिए दोस्तों, दो हाथ इस पर हम अप्लाई कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में।
दोस्तों हमने दो हाथ कलर अप्लाई कर लिया है, अब हम इसमें पुट्टी दोबारा रिपेयर करेंगे। पुट्टी को आप बिल्कुल आप नॉर्मल बनाएं, बिल्कुल ज़्यादा फेविकोल ऐड नहीं करना है क्योंकि ये कच्ची पुट्टी है, अगर हार्ड बना देंगे तो फिर इसको सैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी तो कलर भी आपका कट जाएगा। तो इसको नॉर्मल पुट्टी बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा फेविकोल ऐड करना है। इस तरह से टेबल में भी हमने चेक कर लिया है, सभी जगह अच्छे से चेक कर लेना है उंगलियों से पत्ती की मदद से, सभी गैपिंग में इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर लेना है। दोस्तों हमने पुट्टी रिपेयर कर लिया है दोबारा और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद इसमें 220 नंबर का रेगमाल लगाएंगे। दोस्तों 220 नंबर रेगमाल है वाटर पेप रेगमाल, इसको बिल्कुल दबा कर लगाना है दोस्तों ताकि ये पुट्टी भी बिल्कुल बराबर हो जाए और लकड़ी भी स्मूथ हो जाए, कलर भी हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए। दोस्तों हमने रेगमाल लगा लिया है, इसमें हम दोबारा कलर अप्लाई करने वाले हैं, जो कलर हमने पहले बनाया था वही कलर दोबारा अप्लाई करेंगे। इसको आप 2 से 3 हाथ या 4 हाथ तक अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ कलर सेट हो गया है तो आप इसको छोड़ दें और कपड़े की मदद से इसको कलर अप्लाई करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कलर अप्लाई करना है ताकि कलर कटे नहीं जो नीचे कलर लगा हुआ है। दोस्तों हमने कलर अप्लाई कर लिया, कलर सेट कर लिया है, बिल्कुल हमारा कलर सेट हो गया है। अब इसको हम 220 जो पुराना पेपर हो गया हो, ओल्ड हो गया हो, या फिर 320 नंबर भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको चिकना करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको सैंडिंग करना है ये चिकना हो जाए। इसके बाद दोस्तों इसमें हम सिलर अप्लाई करेंगे, सिलर की भराई करेंगे चिकना करने के बाद, इसको सैंड करने के बाद। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। ये देखिए दोस्तों हमने रेगमाल लगा लिया है, सैंडिंग कर लिया है, अब हम इसमें एनसी सैंडिंग सिलर का प्रयोग करने वाले हैं। ये है एनसी सैंडिंग सिलर और ये है एनसी थिनर हिमालय कंपनी, GCI हिमालय कंपनी। सिलर को पतला करने के लिए थिनर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसमें हम सिलर अप्लाई कर लेते हैं, 3 से 4 हाथ तक या 4 से 5 हाथ तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी पॉलिश चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलर का यूज करें। तो देखिए दोस्तों हमने सिलर नसेस की भर दी है। देखिए दोस्तों अभी इसको हम सिलर से बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया, सिलर बिल्कुल चढ़ गया है। अभी एकदम इसकी चिकनाहट देखिए, फिनिशिंग देखिए, टेबल पर भी हम सिलर अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल फाइबर लुक में हो गया दोस्तों, ये दिखने में फाइबर लुक लगने लगा। इसके बाद दोस्तों हम इसमें टॉप कोट लगाएंगे, टॉप कोट लगाने के लिए हम चंदस का प्रयोग करने वाले हैं। आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको इस पर रेसा भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम प्लेन पॉलिश कर रहे हैं तो इस पर हम रेसा नहीं बनाएंगे, बस इसके बाद हम इसको फाइनल कर देंगे। लेकिन दोस्तों सिलर चढ़ाने के बाद आप 220 या 320 नंबर से इसको सैंडिंग करना ज़रूरी है ताकि जहाँ पर माल मोटा लगा हुआ वो बराबर हो जाए। तो हमने सैंडिंग कर लिया है, अब इस पर हम टॉप कोट करेंगे, टॉप कोट के लिए चंदेश का प्रयोग करेंगे। सभी पर हमने सिलर अप्लाई कर दिया है, चेयर और डाइनिंग टेबल पर। दोस्तों यह है चंदरस, चंदरस हमने पहले से गलाया था, आप भी पहले से गला दें पॉलिश करने से पहले। और चंदरस गलाने के लिए थिनर की ज़रूरत पड़ती है,
तो आप चाहे कपड़े में बांध कर लाएँ या फिर ऐसे ही जला दें। ऐसे ही गलाते हैं जो आप कपड़े से उसको छान लें, जो कचरा उसका अलग रहे और उसका जो माल अलग हो जाए। चलिए दोस्तों चंद्र से पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने पहला हाथ अप्लाई किया, भी उसको चमकने लगा। आप इसमें चाहे 4 से 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ, जितना आप अप्लाई करना चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं। जितना ही आप इसमें चंदा अप्लाई करेंगे उतनी इसमें अच्छी शाइनिंग आएगी, उतनी ही चमक इसमें आती रहेगी। तो चंदा इसको एकदम दबा दबा कर अप्लाई करें ताकि कपड़े के निशान भी ना आए और बिल्कुल शीशे जैसे शाइनिंग आए, हाई ग्लोसी बिल्कुल लगे। तो जितना चाहे उसमें आप चंदा मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस चंदा अप्लाई कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों हम डाइनिंग में भी अप्लाई कर लेते हैं चंद्रस को। देखिए दोस्तों अभी चमक इसकी बिल्कुल हाई ग्लोसी हो गया है। दोस्तों आप इसको लो बजट में बिल्कुल इस तरह की पॉलिश कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छी नंबर एक की पॉलिश कर सकते हैं लो बजट में। आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है और भी हाथ से कर सकते हैं, किसी तरह की मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों एकदम बिल्कुल फाइनल हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी, जो नीचे बॉडी लगी हुई इस पर हम वाइट पेंट करेंगे। तो अभी बिल्कुल ये फाइनल हो गया है, शाइनिंग का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है अभी इसमें। देखिए इसको, इसकी चमक देखिए दोस्तों, बिल्कुल शीशे जैसे चमक इसमें आ गई है बिल्कुल लो बजट में। देखिए दोस्तों डाइनिंग चेयर में भी शाइनिंग बिल्कुल आ गई है, हाई ग्लोसी। देखिए दोस्तों बिल्कुल शीशे से चमक रहा है। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा काम बाकी था, जो हमने पहले बताया था ये जो बॉली है, बॉली में हम वाइट पेंट मारेंगे। दोस्तों इसमें हम एशियन का पेंट यूज करने वाले हैं, वाइट पेंट इनामिल बेस पेंट। इसको ब्रश की मदद से हम इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें ऑयल नहीं ऐड करना है, बिल्कुल मोटा इसमें लगाना है ताकि ये चुए ना पेंट, बहे ना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।